क्यों रो रही हो? अच्छा बात सुनो, और मैं थैंक यू, आई लव यू, मैं इतनी खुश हूं आपको देखकर, आपकी गेम्स देखकर, आपका टैलेंट देखकर, और मुझे अब पता चल गया है कि इंशाल्लाह यू विल रूल द वर्ल्ड इंशाल्लाह ताला। और आप में से नेशनल चैंपियंस होंगे, वर्ल्ड चैंपियंस होंगे इंशाल्लाह। आज जब मैं आपके दरमियान में गई तो मुझे एक बच्ची ने ये फूल दिया, आपने दिया था, और इसने मुझे कहा, मैं इधर आओ, कम, सो नाइस। बता दूं आपने क्या कहा था? हैं? नो, व्हाई क्राइंग? क्यों रो रही हो? अच्छा बात सुनो, इसने मुझे ये फूल दिया तो मैंने कहा कि आपको ये फूल लेके आना मेरे लिए याद रहा। कहती है मेरे पास इतने ही पैसे थे कि मैं आपको ये फूल दे सकती हूँ। डोंट क्राई, आप ब्रेव गर्ल हो, रोना नहीं है बिल्कुल। मुझे पता है आप ज़रा ओवरवेल्म हो गई हो, बट मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपके पीछे खड़ी हूँ। मुझे लग रहा है कि आप देख रहे हैं। और मैं फैसल, आपको जो हमारे यंग डायनामिक हार्ड वर्किंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैं ये कहती थी कि लोगों को लगता था कि अगर आपने किसी को ऑब्लाइज करना उसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दो। मैंने फैसल को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसलिए दी थी कि आई वॉन्टेड यू टू एक्सेल एंड एक्सीड, और मुझे लगा कि ये फैसल कर सकता है। और मैंने फैसल को आज कहा कि ये पिंक गेम्स यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसको पूरे पंजाब में फैलाओ, और सिर्फ लाहौर में फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके लिए प्रूफ किया है कि पूरे पंजाब में आपकी प्लेग्राउंड्स हों, आपके जिमनेजियम्स हों, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हों, ताकि आपको मेन गेम्स खेलने के लिए लाहौर ना आना पड़े, आपके अपने शहरों में आपके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हों। अच्छा ये बताओ कि मज़ा आया? डिड यू एंजॉय योर गेम्स? बहुत ज़्यादा। डिड यू हैव फन? और आपको फैसल ने बुलाया, आज हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी गेम्स ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने कहा कि तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं तो आना चाहती हूँ उसके अंदर। तो मैं आज देखना चाहती थी कि मेरी बेटियाँ, मेरी बच्चियाँ, इस कौम की बेटियाँ कितनी स्मार्ट हैं, कितनी एजाइल हैं माशाल्लाह, कितनी चैंप्स हैं माशाल्लाह। तो मैं आज, आपको पता है, मेट्रो बस में बैठ कर यहाँ आई हूँ, और मेट्रो बस का जो कजाफी स्टेडियम वाला स्टेशन है उससे मैं ऊपर गई, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के फिर मैं आपके पास आई हूँ। और मुझे मेरे आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बता रहे थे, वो भी यंग डायनामिक मिनिस्टर है, वो मुझे बता रहे थे हमने फ्री मोटर बाइक्स जो है वो हमने आप लोगों के लिए, हम एक स्कीम लेकर आए हैं, उसमें लड़कियों का भी बहुत बड़ा शेयर है। मुझे उन्होंने कहा कि 50% पे लड़कियों का शेयर ख़त्म कर दें। मैंने कहा क्यों मैं 50% पे कैप करूं? अगर सारी मोटरसाइकिल्स लड़कियों को चाहिए तो हम देंगे इंशाल्लाह। मैम पेट्रोल सस्ता कर दे, पेट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह मेरे पापा। और आपको पता है मुझे उसने क्या बताया जिससे मुझे तकलीफ़ हुई? उसने कहा कि मैंने कहा लड़कियों की इतनी कम एप्लीकेशंस क्यों आई हैं, किस किस को मोटर बाइक चाहिए? कहता है कि सब लड़कियों ने हाथ खड़ा किया कि हमें मोटर बाइक चाहिए। तो मैंने कहा अप्लाई क्यों नहीं किया? कहती घर वाले मोटर बाइक चलाने नहीं देते।
तो मैं ये समझती हूँ कि वालिदैन को हम आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी को बेहतर कर रहे हैं, तो मैं वालिदैन को रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बच्चियों को इजाज़त दें, वो बाहर निकलें, वो इंडिपेंडेंट हों, वो अपने काम खुद करें। और मैंने फैसल को ये भी कहा है कि पिंग गेम्स के बाद जिस पंजाब लीग का उसने ज़िक्र किया, जिसके अंदर हम 1 मिलियन यूथ को इंगेज करेंगे, मैंने कहा उसके लिए तुम्हें 20 करोड़ चाहिए, 30 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, मुझे बताओ। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हम पंजाब लीग को पंजाब के लेवल पे हम लेकर जाएंगे, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब गली गली महल्ले महल्ले इंशाल्लाह हमारे स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन्स पैदा होंगे, इंशाल्लाह स्पोर्ट्स वुमेन। और मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का, मेरा नाम रोशन किया, स्पोर्ट्स का नाम रोशन किया, आप लोग चलते रहो, बढ़ते रहो, और आपको जो भी आपको इसके लिए चाहिए होगा मैं दूंगी इंशाल्लाह। और जो 1300 बच्चियों ने इसमें शिरकत की है, पार्टिसिपेट किया है, मैंने उन 1300 बच्चियों के लिए मैंने एक अपनी तरफ से वाटर फ्लास्क जो है, वाटर बॉटल्स जो हैं वो आपको मेरी तरफ से मिलेंगी, उस पर मेरे सिग्नेचर्स हुए हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये फर्स्ट एवर पिंग गेम्स थी, और आपको उस बॉटल को देख के याद आए कि आपने आगे बढ़ना है, आपने यहाँ पर रुकना नहीं है। आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मे यू डू फेमस एंड फेमसली इन लाइफ। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।